इमरान खान की मोहब्बत हमारे दिलों में है, तो खान का नाम हमारे दिल पे लगता है, क्या वो किसी का बाप भी मिटा सकता है? राजवासी से सलाम है जेलम वालों, तुम्हें तुम्हारी गैरत को, तुम्हारी हिम्मत को, तुम्हारी अजमत को, कि तुमने तमाम फसलाइत के बुत तोड़ दिए, तुमने बदमाशों की बदमाशी खत्म कर दी और सबसे बढ़ के खौफ का बुत तोड़ दिया और सवारी में जंग जेलम वालों के झंडे लहरा रहे थे और हमें पता लगा कि जेलम आया। 13 अगस्त को रैलियां हुई, जेलम के लोग निकले, डरने की जरूरत नहीं है, जब तुम्हारी बेटी पे बात आएगी, जब तुम्हारी माँ पे बात आएगी, जब तुम्हारे बेटे पे बात आएगी, जब तुम्हारे रिश्तेदारों पे बात आएगी, तब तो तुम लड़ोगे, पर ये हमारा कायद तो हमारे रिश्तों से बढ़ के हमारे लिए अजीम है, जब इसमें बात आएगी तो क्यों नहीं खड़े होगे? क्या हुआ? हजारों लोग, लाखों की तादाद होने लगी। इस वक्त इस इंतजामिया को, इस्लामाबाद की फसाई हुकूमत को, जब एस्टैब्लिशमेंट को यह अंदाजा हुआ एक जमे वकीर होगा, सहाबी से भी बड़ा जलसा होगा, फिर ताने और फिर हमने पल्ले को नहीं जरेगा, फिर इतने आते आ गए, फिर कहते ने खुदा दो खान गल करो, वो एक शख्स जो जेल में बैठा खान बाहर ही नहीं था, और तुमने क्या किया? तुमने मोटर वे बंद की है, मोटर वे पाकिस्तान की तारीख में मोटर वे के दरमियान ट्रक और ट्राले खड़े किए गए, इसके खौफ से तुमने इंटरचेंज बंद किए, इसके खौफ से तुमने हमारे बच्चों के खर्चे लिए कि वो इस्लामाबाद न पहुंच सके, किसके डर से? तुम्हें वहां जाके लिए अमीन के पैरों पर हाथ लगाना पड़ा, किसके डर से? इस फसलाइत के दौरान इतने मुश्किल और कठिन वक्त में अपनी पार्टी के कन्वेंशन के लिए वक्त निकाला है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके पास आपके कायद का एक पैगाम लेके आया और वो पैगाम बहुत जरूरी है कि आप सुने। कुछ चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप उसे दिल से सुनेंगे और फिर अपने खान की रिहाई की जद्दोजहद की तहरीक में आप सब सफे अवल के मुजाहिद बनेंगे और आप सब आगे रहेंगे। अपने जहन में रखिएगा कि जो फसलाइत आज पंजाब में है वहां से पहले कभी नहीं थी। मार्शल लॉ के अदवार भी गुजरे हैं, फौजियों की हुकूमतें भी गुजरी हैं, बहुत बड़े बड़े डिक्टेटर्स भी आए और चले गए हैं, बहुत से सीनियर डिक्टेटर्स भी आए और चले गए, मगर जो मार्शल लॉ आज इस पीडीएम की मनहूस हुकूमत की तरफ से इस पंजाब में राइज है वहां से पहले कभी नहीं था। आज आपके बोलने पे पाबंदी है, आपके बात करने पे पाबंदी है, आपके बाहर निकलने पे पाबंदी है, आपकी इजहार राय जो है उसको बंद किया गया है, आपके होंठ छीने की कोशिश की गई है, आपको इतना भी हक नहीं है कि आप परम एहतजाज कर सके, आपको इतना भी हक नहीं है कि जब आपको खान की कॉल आए कोई पुरमन रैली निकाल सके, आपको कोई यहां से इस्लामाबाद जाने नहीं देता है, जब भी जलसे की कॉल आती है तो उससे एक रात पहले आपके घरों में छापे पड़ने लग जाते हैं, आपके दोस्तों और भाइयों को उठाया जाता है, आपके एमपीएस को रोका जाता है, आपकी तंजीम के दोस्तों को पाबंदे सरासर किया जाता है, और ये सब इसलिए सिर्फ इसलिए कि आप बोल न सके। जेलम के गयूर दोस्तों, मुझे बताओ क्या इस तरह भी कोई तुम्हारे होंठ छी सकता है? क्या इस तरह कोई तुम्हें रोक सकता है? क्या वो जो इमरान खान की मोहब्बत हमारे दिलों में है, जो खान का नाम हमारे दिल पे लगता है, क्या वो किसी का बाप भी मिटा सकता है? बदमाशी से मुझे जवाब दीजिएगा, मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ, मैं कोई जलसे की तकरीर करने नहीं आया हूँ, बात करूंगा तो मुझे समझ आएगी कि आप किस लेवल पे बैठे हैं। मुझे सिर्फ ये बताइएगा, मुझे सिर्फ ये बताइएगा, कहने दीजिए जरा, मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि क्या आपने इस फसलाइत को महसूस किया या नहीं अपने इर्द गिर्द? क्या आपने अपने दोस्तों को जेलों में जाते हुए देखा कि नहीं? क्या आपने अपने बच्चों को इस ब्रुटैलिटी का, इस फसलाइत का शिकार होते हुए देखा कि नहीं? तो फिर हमारा फर्ज क्या है? खान क्या कहता है? खान किसके लिए अंदर पड़ा है? वो भी जहाज मंगवा सकता था, वो तो इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी का कायल है, सबसे बड़ी सियासी पार्टी का, जिसने इस वसाइयत के बावजूद ही करोड़ों वोट दिए गए, क्या वो जहाज नहीं मंगवा सकता?
क्या वो डील नहीं कर सकता था? क्या वो मुल्क छोड़ के नहीं जा सकता था? उसके तो तरले कर रहे थे कि तुम चले जाओ बनी गाला, हम तुम्हें जाने के लिए तैयार है, हमसे बात करो। उसे का नहीं, अगर आज तुम साबित कर ली तो ये डील हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के खिलाफ होगी। कोई डील नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी, कोई मुजाकरात इस कौम के मुफाद के खिलाफ नहीं होगी। उसने कोई डील नहीं की। वहां इतनी गर्मी के अंदर जेल के एक छोटे से 6-12 के सेल में रहना उसने तरजीह दिया, मगर उसने बाहर जाना उस पर तरजीह नहीं दिया। ये कुर्बानी किसके लिए है? आपके बच्चों के लिए है, आपके मुस्तकबिल के लिए है, आपके पाकिस्तान के लिए है, आपके एक एक बूढ़े बुजुर्ग औरत मर्द के लिए है और जन्म वालों आपके लिए है, क्योंकि आपने भी उस वसाइत के दौरान जिस तरीके से 8 फरवरी को निकल के वोट डाले, कौन कहता है कि पंजाब नहीं निकलता? पंजाब निकलता है। खान ने जब जब कॉल दी पंजाब निकला है। और जन्म वालों आपका नंबर है, आप पे सख्तियां भी थी, आप पे ब्रूटालिटी भी हुई, मगर आप पीछे नहीं हटे। चाहे फॉर्म 47 पे हमारे बंदों को हरा दिया गया, मगर आपने अपने एमएनए बना दिए हैं, आपने अपने एमपीए बना दिए हैं, और वही हकीकी एमएनए है और वही हकीकी एमपीए है। मुझे ये देखें, ये जलसा हुआ अभी इस्लामाबाद का, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, तमाम एमपीएस का, तमाम एमएनए का, तमाम स्टेक होल्डर अहदेदारान का, यहां के जिले सदर मेरे साथ भी मौजूद हैं, कि आप सवाबी जलसे में बहुत बड़ी तादाद में आए हैं। मुझे पता है कि आपके रास्ते रोकने की कोशिश की गई, मुझे पता है कि आपको उस तशद्दुद का निशाना बनाया गया, आप पे एफआईआर दी गई, मगर सलाम है जेलम वालों तुम्हें, तुम्हारी गैरत को, तुम्हारी हिम्मत को, तुम्हारी अजमत को, कि तुमने तमाम फसलाइत के बुत तोड़ दिए, तुमने बदमाशों की बदमाशी खत्म कर दी और सबसे बढ़ के खौफ का बुत तोड़ दिया। और सवाबी में जब जेलम वालों के झंडे लहरा रहे थे और हमें पता लगा कि जेलम आया वहां, 13 अगस्त को रैलियां हुई, जेलम के लोग निकले, डरने की जरूरत नहीं है, जब तुम्हारी बेटी पे बात आएगी, जब तुम्हारी माँ पे बात आएगी, जब तुम्हारे बेटे पे बात आएगी, जब तुम्हारे रिश्तेदारों पे बात आएगी, तब तो तुम लड़ोगे। और ये हमारा कायद तो हमारे रिश्तों से बढ़ के हमारे लिए असीम है, जब इसमें बात आएगी तो क्यों नहीं खड़े होगे? और हम तो पुरतशद्दुद नहीं है, हम तो बात करते हैं पुरअमन एहतजाज की, पब्लिक प्रेशर की, जो हमें आईन हक देता है, जो कानून हक देता है। हक है कि नहीं? हक है कि नहीं? तो भाई हम रोक सकता हूं, ये मुल्क भी मेरा है, ये बच्ची भी मेरी है, ये खान भी मेरा है, ये तरीके इंसाफ भी मेरी है, और इन बच्चों के मुस्तकबिल की जंग भी मेरी है। उसके लिए चाहे जान चली जाए, उसके लिए चाहे माल चला जाए, वादा करो कि पुरअमन एहतजाज करोगे, खान के हक पर निकलोगे, बताएं निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? इस्लामाबाद में क्या हुआ? हजारों लोग, लाखों की तादाद होने लगी। इस वक्त इस इंतजामिया को, इस्लामाबाद की फसाई हुकूमत को, जो एस्टैब्लिशमेंट को यह अंदाजा हुआ एक जम्मे को पीर होगा, सहाबी से भी बड़ा जलसा होगा, तो फिर टांगे और फिर इन्होंने पल्ले कुछ नहीं दे रहा, फिर एक तवे आते आ गए, फिर कहते ने खुदा दो खान गल करो। वो एक शख्स जो जेल में बैठा, खान बाहर भी नहीं था, और तुमने क्या किया? तुमने मोटर में बंद की है, मोटर में पाकिस्तान की तारीफ में मोटर में के दरमियान ट्रक और ट्राले खड़े किए गए, इसके खौफ से, तुमने इनका जेल बंद किए, इसके खौफ से तुमने हमारे बच्चों में पर्चे लिए कि वो इस्लामाबाद न पहुंच सके, किसके डर से?